हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अगर मैं प्यार की बात करूं तो दुनिया में ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा जो प्यार के बारे में नहीं जानता होगा। दोस्तों, अगर आप किसी से प्यार करते हैं और आपका प्यार आपको छोड़कर चला जाता है तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप खुद ही बताएं। आप दोस्तों ऐसे में यही करेंगे, आप अपने प्यार से बात करना चाहेंगे। आपका अगर गुस्सा है तो वो थोड़े बार दिन का है, एक दो घंटे का रहेगा, थोड़े देर का रहेगा, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, अपने प्यार से बात करना चाहेंगे। दोस्तों, अगर बात करने से नहीं काम बनता तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि खोया प्यार वापस कैसे पाएं, अपने बिछड़े हुए प्यार को वापस कैसे लाएं, खोया प्यार वापस पाने का मंत्रा या खोया प्यार वापस पाने का टोटका। तो दोस्तों, ये दुनिया बहुत बड़ी है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। दोस्तों, ये दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में अगर मैं प्यार की बात करूं तो प्यार को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। इसलिए दोस्तों, इसमें कई तरह के रिश्तों को निभाना भी पड़ता है और दोस्तों उनको संभाल कर भी रखना पड़ता है। दोस्तों, प्यार अगर मैं बात करूं तो दोस्तों प्यार एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में ही नहीं, प्यार तो दोस्तों हस्बैंड वाइफ, सास ससुर, माता पिता, भाई बहन, भाई भाई के बीच में प्यार होता है। आज का दोस्तों देखिए, जो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है ये नहीं है कि आप जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सिर्फ आपके ही लिए है, नहीं। आज का दोस्तों वीडियो है हस्बैंड वाइफ, माता पिता, प्रेमी प्रेमिका, सास ससुर, भाई बहन, भाभी ननद, किसी के बीच में अगर आप प्यार बढ़ाना चाहते हैं, आपके बीच में प्यार कम हो गया है, आपका प्यार आपको छोड़कर चला गया है, जिससे आप प्यार करते थे वो इंसान आपको छोड़कर चला गया है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, ये दुनिया बहुत बड़ी है, इस दुनिया में प्यार को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए इसमें कई तरह के रिश्तों को निभाना पड़ता है, जिसमें दोस्तों युवा लोग गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी बनाते हैं और उनमें प्यार भी करते हैं। इसलिए जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाइयाँ भी जरूर होती है। बहुत सही कहा है किसी ने कि दोस्तों जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर लड़ाइयाँ भी होती हैं। इसलिए दोस्तों उनके रिश्ते में कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए दूरी बन जाती है। जब प्यार होता है तो दोस्तों लड़ाइयाँ भी होती हैं, अगर लड़ाई हो जाती है तो उनके बीच में कुछ समय के लिए दूरी बन जाती है, जिसकी वजह से दोस्तों वह साथ नहीं रह पाते, जिसकी वजह से वह लोग अपने प्यार को दोबारा से पाना चाहते हैं। दोस्तों, बात आखिर घूम फिर कर वहीं पर आ गई कि वो प्यार को फिर से पाना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या करें, उनसे बात करना शुरू कर दें। अगर आप अपना खोया हुआ प्यार वापस पाना चाहते हैं तो इसके लिए पहले आप उनसे बात करना शुरू कर दीजिए। उनसे बात करके उनकी कमी के बारे में उन्हें बताएं। जब वह आपसे बात करने लगे तो आपको भी उनसे ठीक तरह से बात करनी होगी और पूरा टाइम देना होगा और उन्हें एहसास दिलाना है कि आप उनके बिना कितने अधूरे थे जब वो आपको छोड़ गए थे। और दोस्तों, उनके ऊपर एहसान बिल्कुल न जताए। कभी भी दोस्तों हमारा रिलेशनशिप दोबारा से अगर हो जाता है तो उसके बाद हमें उनके ऊपर एहसान नहीं जताना चाहिए। गिफ्ट भी आप दे सकते हैं। दोस्तों, गिफ्ट लेना हर किसी को पसंद होता है, इसलिए अगर दोस्तों आपसे कोई गुस्सा हो गया है, आपसे दूर चला गया है, तो आप उनके पास जाए, कोई गिफ्ट दे सकते हैं, आप उनको गिफ्ट दे। दोस्तों, गिफ्ट लेते ही वो आपके पास आ जाएगा। और दोस्तों, थोड़ा वेट कर सकते हैं आप, जहाँ आपने इतना प्यार वापस पाने में वेट किया, थोड़ा और वेट करें। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करें। वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।